नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ जोया खान और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं वीकेबी न्यूज़ के एक खास प्रोग्राम में जिसका नाम है जय माता दी। जी हाँ, एक सुबह की शुरुआत होती है काफ़ी खूबसूरत दिन से, क्योंकि नवरात्रि का चौथा दिन आज है और काफ़ी खूबसूरत जगह पे और शांति पूर्वक जगह पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जगनाड़े चौक के गायत्री माता मंदिर में। तो काफ़ी यहाँ पे आते से एक शांत वातावरण का जो एक महसूस होना, वो काफ़ी शांति दे जाता है मन को, काफ़ी सुकून दे जाता है और वही महसूस मैं इस वक्त कर रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सादी सजावट करी है, साधा सादगी से यहाँ पे सजावट की गई है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं आज की सुबह। और रही बात कोविड की, तो कोविड नियमों का भी बहुत अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ हुई है और क्या क्या सजावट हुई है, चलिए मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गायत्री मंदिर के जो महंत हैं, जो माता देवी की सेवा दिन रात व्यवस्थापक है और दिन रात माता जो है उनकी सेवा देते हैं, उनको सेवा देते हैं। तो पंडित जी से मैं माता जी का जो इतिहास है वो जानने की ज़रूर कोशिश करूँगी। हाँ, 1986 में जब यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, क्या नाम से, वीआरसी कॉलेज के सामने गायत्री नगर है ना, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर हमारा एक प्रज्ञापीठ भी है और उसके बाद में ये मंदिर की भी स्थापना हुई। और गायत्री परिवार बोलते हैं हम लोग इसको, यानी हम परिवार के जैसे रहते हैं, इसलिए हम इसको गायत्री परिवार बोलते हैं। और हमारे बहुत सारे आंदोलन भी चलते रहते हैं यहाँ पर, नारी जागरण है, गर्भ संस्कार है, बाल संस्कार शालाएँ हैं और वृक्षारोपण है, सभी कार्यक्रम मुझे गायत्री मंदिर में पूजा पाठ और यज्ञ संस्कार सभी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी कार्यक्रम होते हैं। गायत्री मंदिर बोले तो कैसा रहता है, पंडित बैठे होंगे और वो पूजा करेंगे, ऐसा उपक्रम तो रहते ही है, लेकिन इसके साथ साथ में जन कल्याण के लिए जो भी योजनाएँ होती है वो भी हम लोग करते हैं। अभी लॉकडाउन में हम लोग ने खाना भी बांटने का काम किया है, रोज़ 800 पैकेट हम लोग देते थे। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पर अभी नवरात्रा है, नवरात्रा में अभी 2 साल के बाद में ये खुला है, तो कोविड का पालन करते हुए, निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को दर्शन करने की अनुमति दिया हुआ है। और रोज़ सुबह यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग हवन भी कर लेते हैं, सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में एक डेली हवन होता है हमारा।
बाकी आरती पूजा वगैरह तो जो है सुबह की शाम की नादेव है उसमें, तो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो दिग्भ्रमित हो गए हैं और जो चमत्कार बोलते जैसे बोला बताते हैं लोग ये मंदिर में ये चमत्कार हो गया, वो तो हम लोग चमत्कार पे विश्वास नहीं रखते, हम लोग कर्म के ऊपर में विश्वास रखते, अपना कर्म करो और फल पाओ, चमत्कार की आशा मत करो, ऐसा है। ठीक, धन्यवाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। अभी नवरात्रि का पर्व शुरू है इसलिए सब मंदिर खुले हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। सवेरे 6 बजे हमारे यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में ध्यान होता है, मंत्र वगैरह होते हैं, चालीसा होता है, और अभी यहाँ पे बहुत इतना अच्छा उत्साह लगता है कि चलो बहुत शांति मिल रही है। क्या प्रार्थना करोगे? हमारा ऐसे लगता है कि सब वायरस और जो कोरोना है सब यहाँ से हटना चाहिए, और हमारे गुरुदेव सब कुछ कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं, हम उनसे सबने सहकार्य से हो रहा है। इस बार नवरात्र काफ़ी स्पेशल है हम लोगों के लिए, सबके लिए, क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से सबका नवरात्र घर में ही बीता था, बट इस बार एटलीस्ट हम लोग को मंदिर में आने का अवसर मिला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है घर से बाहर निकल के। और मंदिर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन हो रहा है, और मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो भी चुके हैं इस समय तक। तो मैं अनुरोध करूंगा लोगों से कि आप अपने घर से बाहर निकलें और मंदिरों में आकर के दर्शन करें सब। कोविड बस चला जाए, भगवान इसका ध्यान रखे, और मतलब व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी सही है, और कोई यहाँ पर मतलब भीड़ भाड़ वाली बात नहीं है, लोग अपना संयम के साथ आएँ और जो भी अनुशासन है उसको पालन करते हुए और जो भी सुविधा है उसका आनंद उठाएं और भगवान के श्रद्धा से पूजा करें। धन्यवाद। यही कि कोविड बीमारी जल्द से जल्द चली जाए और सब जैसे पहले फ्री होके घूमते थे वैसे समाज में घूमे और हर जगह जाए, जैसे मंदिरों में, अदर जगह जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ पे जा सके फ्री होके। आपका क्या कहना है? सबका संकट दूर हो जाए, सब जो गरीब है श्रीमंत है सबका संकट दूर हो जाए, सबको श्रद्धा भक्ति से पूजा का स्थान जो है वो सबको मिले, और जिनकी मन्नतें आज तक पूरी नहीं हो पाए वो पूरी हो जाए, यही बस, और माता के दर्शन को हमेशा आने को मिले, यही। तो वैसे ही मैंने पहले बताया था कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज की शुरुआत जो है, दिन की शुरुआत हमने की है जगनाड़े चौक स्थित गायत्री माता मंदिर से। यहाँ पहुँच के एक सुकून सा मिला, काफ़ी शांति महसूस हुई और काफ़ी प्यारा सा मुझे दर्शन हुआ माता रानी का, और माता रानी की चेहरे की जो चमक थी वो अपने बच्चों के लिए दिख ही रही थी कि माता रानी भी अपने भक्तों को साक्षात देख कर काफ़ी खुश है और हम सभी की मन्नत ज़रूर वो पूरी करेंगे। तो आज का दिन रहा, दर्शन जो रहा गायत्री माता मंदिर में वो काफ़ी खुशियों भरा रहा, काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है इस दिन की, और बस कोविड जो हमारे कोविड के नियम हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पालन किया जा रहा है, भक्तों का भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो बस आज के इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही, आपसे कल फिर किसी नए मंदिर के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ जोया खान, नागपुर।